हाय फ्रेंड्स, अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज जिसकी ओपनिंग फ्राइडे को इतनी खास नहीं रही, मेकर्स को जो उम्मीद थी ओपनिंग का कलेक्शन उससे कम था। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श का कहना है, जहां फ्राइडे को इस फिल्म ने 10 करोड़ 70 लाख का बिजनेस किया, वहीं अगले दिन सैटरडे को भी अच्छा बिजनेस हुआ, फ्राइडे से बेटर बिजनेस हुआ। सैटरडे को इस फिल्म ने 12 करोड़ 60 लाख का बिजनेस किया है और फिल्म ने इंडिया में अब तक का टोटल बिजनेस किया है फ्राइडे और सैटरडे की कलेक्शन को मिलाकर 23 करोड़ 30 लाख। फिल्म ट्रेड तरण आदर्श का कहना है कि फिल्म का बिजनेस तो हो रहा है धीरे धीरे ही सही, पर कलेक्शन थोड़ा थोड़ा कर ऊपर आ रहा है फिल्म का। फिल्म ट्रेड तरण आदर्श का कहना है कि एक हेल्थी वीकेंड के लिए इस फिल्म को संडे को अच्छा बिजनेस करना पड़ेगा ताकि कलेक्शन ऊपर जा सके और फिल्म को एक अच्छा वीकेंड कलेक्शन मिल सके। एक स्टेटमेंट में देव्या वैदी ने कहा है कि फ्राइडे के कलेक्शंस को देखकर ये तो लगता है कि ऑडियंस फिल्म से जुड़ पाई है, कनेक्ट कर पाई है, तभी एक दिन का कलेक्शन 10 करोड़ हो पाया है और अगले दिन का कलेक्शन 12 करोड़ के आसपास हुआ है। तो इस कहानी ने ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा ज़रूर है, अब बस देखना ये है कि धीरे धीरे फिल्म और कितना कलेक्शन कर पाती है। फ्रेंड्स, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और भी ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।